है एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। इस वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा करने की विधि, व्रत का महत्व और आरती सुनेंगे। तो इस बुक में कवर किया गया है बृहस्पतिवार का व्रत कथा सरल हिंदी भाषा में, और प्रस्तुत बुक में बृहस्पतिवार का व्रत करने की विधि, व्रत का महत्व, बृहस्पतिवार व्रत की कथा, बृहस्पतिवार व्रत की कथा के साथ साथ में उनकी देव बृहस्पतिवार देवता की आरती और ओम जय जगदीश हरे की आरती, ये सब दिया गया है। तो बृहस्पतिवार का व्रत करने की विधि क्या क्या है? यह व्रत बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करना चाहे, उन्हें बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में साबुन या मिट्टी भी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन दाढ़ी या सिर के बाल भी नहीं बनवाने चाहिए। इस व्रत में सुबह ही स्नान आदि से निवृत्त हो ले। इसके बाद किसी केले के पेड़ के निकट जाकर के पीले फूल और पीले चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अपने हाथ में जरा सी चने की दाल, गुड़ और एक पूला फूल लेकर के बृहस्पतिवार व्रत कथा कहनी चाहिए या किसी अन्य से सुननी चाहिए। जब तक कथा पूरी ना हो जाए तब तक वहाँ से न तो कहने वाले को उठना चाहिए, ना ही सुनने वाले को वहाँ से उठना चाहिए, और न ही कुछ बोलना चाहिए। कथा पूरी हो जाने के बाद दाल, गुड़ और पुष्प को पेड़ को समर्पित करके थोड़ा सा जल चढ़ाकर आरती गाते हुए धूप या दीप से उसकी आरती उतारनी चाहिए। अगर केले का पेड़ न मिल सके तो यह सारा क्रिया विधि विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र के सम्मुखीन करनी चाहिए। व्रत वाले दिन केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में चने की दाल, चने का हलवा आदि पीला आहार ही ग्रहण करना चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को छल कपट से दूर रहना चाहिए और मन वचन क्रम से शुद्ध रहना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत का महत्व। बृहस्पतिवार व्रत में बृहस्पति देवता का व्रत किया जाता है। वे सभी देवताओं के पूज्य गुरुदेव हैं। बृहस्पति देवता को विष्णु भगवान का भी अंश माना जाता है और उनका स्थान केले की वृक्ष की जड़ में माना जाता है। इसलिए ही व्रत में विष्णु भगवान अथवा केले की जड़ का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होकर धन धान्य विद्या बुद्धि पौत्र पुत्र आदि प्रदान करते हैं और व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और समस्त विपत्तियां दूर होती है। इस प्रकार यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाली या उत्तम फल देने वाली है। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। वह गरीबों को सहायता भी करता था और उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती थी, न भगवान की पूजा करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत पूजा दान आदि करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पतिदेव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। इस समय वे यहाँ नहीं है। मुझे गृह कार्य जैसे समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, ताला, बागड़ी, बाग, बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुआरी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक पर फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान में देती रहूं तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूं वैसा ही करना। इससे तुम्हारा यहां इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना,
अपने केसों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। साधु ने जैसा कहा था रानी ने सात बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल तीन बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उनकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वह दोनों तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ उसे और कोई काम न मिला तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाने और शहर ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन केवल जल पीकर ही रह जाते। और एक बार रानी और दासियाँ को सात दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और उसे पांच सेज बेजर मांग ला, जिससे कुछ दिनों तक के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। दासी रानी के बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी मुझे अपनी बहन से आपकी बहन ने भेजा है, मुझे पाँच सेज बेजर दे दो। दासी ने कई बार कहा परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर लौट गई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही लगता है, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत में कथा सुनने के कारण मैंने उसे नहीं बोला, इसीलिए वो बहुत दुखी हो गई होगी। वो अपने बहन के घर गई और बोली, हे बहन जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न तो वहाँ से उठते हैं और न ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ तुमने अपनी दासी को क्यों भेजा था। रानी बोली, बहन मेरे घर अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ पाँच सिर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे एक बड़ा बेजर से भरा हुआ मिल गया। उससे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसने पहले भी एक एक बर्तन देख चुकी थी। उसके बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी देखो वैसे ही अन्न के अभाव से हम रोज व्रत करते हैं, इससे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी व्रत क्या करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिदेव को चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। केले की जड़ में पूजन करके दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पतिदेव प्रसन्न होकर अन्न पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिदेव का पूजा जरूर करेंगे। सात दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे गुड़शाला से जाकर चना और गुड़ बिन ले आई तथा उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़े दुखी हुए, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पतिदेव प्रसन्न थे। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में दो थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ा रही है। दासी बोले, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। अब दोनों ने बृहस्पतिवार को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पतिदेव का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पतिदेव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पतिदेव की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम्हें पुनः आलस हो रहा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमें यह धन पाया है, इसीलिए तुम दान पुण्य करना
तुम्हें तो दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य के भोजन करवाना चाहिए तथा प्याऊ लगवानी चाहिए, दीनहीनों को दान देना चाहिए, कुआं आदि का निर्माण करना चाहिए, पाठशालाएं बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कार्य करने लगी। उनका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वहाँ बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर लाता और उन्हें शहर ले जाकर बेचता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्यों चिंता में खोए हुए बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने कहा, राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, उसकी वजह से तुमको तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। अब तुम बृहस्पति देव का व्रत किया करो और चने की दाल व गुड़ को केले की जड़ को पूजा करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो या सुनो, बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर बृहस्पति देव की कथा तो मैं क्या ही कहूँगा, यह तो मुझे मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियाँ काट कर ले जाओ शहर में और तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे तथा उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थे। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मालिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में ही कोई और अन्य कार्य करती थी। उससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता पर वह कुछ नहीं सुनती। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जो सोने के हो जाते तो विद्यालय से लौटते समय उन्हें बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उस सोने के जौ से सूप में फटकर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जू को फटकरने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव को प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाते हुए विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसने बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर ले आकर के उसे जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सूप सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूपशील और गुणों को देखकर के वहां उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटने पर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वहां उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्य जल त्यागने के बारे में पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिसे तुम प्रसन्न होगे। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, न ही किसी ने मेरा अपमान किया है। उस लड़की के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोले, हे पुत्र, तुम ही इस कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गए और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ में कर दिया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के यहाँ मिलने गया। उसने सारा हाल बता दिया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर में विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया।
फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और उसने सारा हाल बता दिया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें एक विधि बताती हूँ जिससे हमेशा के लिए उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी के साथ पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुँचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात में एक खाली कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाल कर उसे स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो वह उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती है और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती है। इस व्रत के प्रभाव से बहुत ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत धनवान हो गए, सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से उन्हें सुख यहाँ लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को चले गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए। पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गए। इस वजह से बृहस्पतिदेव उनसे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उन्हें अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करें, जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य में सभी निवासी राजा के भोग में सम्मिलित हुए। पर लकड़हारा थोड़ी देर तक पहुँचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही उसका हार उस लकड़हारे ने चुराया है। उससे उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदीगृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदीगृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यहाँ दुख मिला। उसी समय बृहस्पतिदेव साधु के रूप में वहाँ प्रकट हुए और उसकी दशा देख करके बोले, हे राजा, तूने बृहस्पतिदेव का व्रत नहीं किया इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता ना कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदीगृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिदेव का व्रत और पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदीगृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर में राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदीगृह में बंद रखा था वह निर्दोष है। वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हार टंगा देख करके लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी और राजा को सुंदर राजा के योग्य वस्त्र और आभूषण देकर के विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगे कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। तब बृहस्पति देव ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा को मानकर अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह बाग, धर्मशालाएं किसके हैं? तब नगर के सभी लोगों ने कहा, यह सब रानी और दासी ने बनवाया है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। जब रानी ने यह सुना कि राजा आए हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख राजा, हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ गए थे, यह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उसे अपने साथ महल में लिवाए। तब राजा ने रानी से पूछा, बताओ यह धन कहाँ से मिला तुम्हें? तब रानी ने उसे बताया कि हमें यह सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं रोज दिन में 3 बार कथा करूंगा तथा रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है और वह दिन में 3 बार कथा कहता है। एक दिन राजा ने सोचा, अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी मुर्दा को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भैया, मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इन्हें अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्ति ने कहा, अच्छा कहो,
हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा की आधी होती ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम कहते हुए मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा, चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते हुए दिखा। राजा ने उसे कहा, अरे भैया तुम मुझे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में चार हरैया खेत जोत दूंगा, जा अपनी कथा किसी और से सुनना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहां से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज पेट दर्द हो गया। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उसने सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़े दौड़े राजा के पास गई और उनसे कहने लगी, मैं तुमसे तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिससे बैल उठकर खड़े हो गए और किसान का पेट दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर राजा जागा तो देखा कि सब व्यक्ति ने भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुन ले। बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते बाद में अन्य काम करते हैं, फिर भी यदि पड़ोस में कोई ऐसा होता है तो मैं देख आती हूँ। यहाँ कहकर बहन देखने गई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस के एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण से उसने 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन की से बोले, हे बहन, अब मैं अपने घर चलूँ, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, परंतु लड़के नहीं साथ में न ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोले, जब कोई बच्चा ही नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने घर लौट गया। घर जाकर के राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान इसीलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अतः वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। सानी गर्भवती हुई। 9वें महीने में उनका एक सुंदर पुत्र और जन्म हो गया। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना खाए रह सकती है, बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन के आने पर तुम उसको कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं करती तो तुम्हें संतान कैसे मिलते। इस प्रकार जिसके मन में जो भी मनोकामनाएं होती है सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं और कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, बृहस्पति देव उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सदा उनकी रक्षा करते हैं। यह है बृहस्पति व्रत, इति बृहस्पति व्रत कथा। बृहस्पति देवता की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, तुम पातक हरता सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल या निधि भक्तन हितकारी,
पाप दोष सब हरिता भव बन धन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संयम तारी। विषय विकार मिटाओ सन तन सुख हारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा।